देखो यकीन नहीं हो रहा है कि अपने बालाघाट के इतने पास में है। जिसने भी इसको अभी तक नहीं दिखाया ना, एक बार जरूर आना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे गाइस सतनारी। तो सुबह उठ के हमने बर्तन वर्तन धुल लिया, अब ये भैया को बस पीजी कॉलेज छोड़ के आना है। और सालो तुम लोग खाना वाना बना के रखो, फटाक से मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। हम पहुँच चुके हैं पीजी कॉलेज। ठीक है भैया, चलता हूँ मैं। भैया रूम की चाबी वो तेजू को दे दूंगा, वहां से खुलवा लेना। ठीक है, खाना वाना खा लेना, हम तो चले जाएंगे तब तक। साले अभी तक की तुम्हारी सब्जी भी काट के नहीं हुई है। तो गाइस सब्जी में बन रहा है आज गोभी। गाइस वैभव लोगों का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो हम उनको सिलेंडर ले जा दे रहे, क्योंकि उनको ब्लॉक में लेना है सिलेंडर। तो लेने के लिए 2 बज जाएगा, 2 नहीं। आज भूखा मरने वाला था ये। खाना हमारा शुरू हो गया है, खाना खा के हम निकलेंगे सतनारी। साले तूने अगर थाली रखा वहाँ तो बेजान गाली लूंगा मुझे। साले भुक्कड़ आके यहाँ खाने बैठ गए मेरे रूम का। हम लोग थे 12 लोग और 4 गाड़ी थी, तो एक एक इंसान बढ़ गया। अब तो साले ये लोग बोल रहे कि मैं एक्स्ट्रा हो गया हूँ, तो तू मत था बताओ, जबकि प्लानिंग मेरी थी। तो गाइस सब्जी कम हो गई तो ये ऐसे चावल खा रहे हो। गाइस ये आ गए सब लोग, यहाँ पे पेट्रोल डला रहे। भाई थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को कलेक्टर ऑफिस में और जनपद पंचायत में थोड़ा सा काम था। मैंने देखा उसे हुआ मैं पा। गाइज आपको सतनारी या गांगुलपारा जाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों का सामना करना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं गांगुलपारा। ये देखो इधर से हम आए हैं, ये तालाब की पार के नीचे नीचे से ये जाती रोड गांगुलपारा। यहाँ से अंदर पैदल पैदल जाना पड़ेगा, पैदल नहीं बाइक जाएगी अंदर तक के। वहाँ पे 20 रुपये कुछ टिकट लगती है, और इसके साइड में ये एक रोड है कच्ची टाइप की, यहाँ से छोटी सी ये जाती है रोड सतनारी। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे एक नाला है शायद, उसमें पानी नहीं होगा तो हमको गाड़ी अच्छे से निकल जाएगी, नहीं तो उठाना पड़ेगा। टोटल हम थे 12 लोग, लेकिन हमको इधर 2-3 और पहचान के लोग मिल गए हैं, तो टोटल हो गए गाइस 17 लोग जा रहे हैं हम लोग। चलो ले भाई, जिसको जिसको गाना जल्दी आ जाओ इधर। छोटी पकड़ अपने आप में पकड़, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा साले। अबे रुको, अबे साले यार, अबे यार छोटी भागना साले तू यहां से। हां किसी को नहीं मिलता तुम यहां पे, थोड़ा सा मेरे को बहुत मिल गया भाई, काफी इतना मिला गाइस 10 रुपए का भाड़ में। सतनारी जाना इज वेरी डेंजरस ब्रो, क्योंकि यहां का रोड इज वेरी खतरनाक, पूरा पैदल उतर उतर के जाना पड़ रहा है। चलो हम इधर पहुंच चुके, इधर नाले वगैरह है, और यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी इधर ही रखना पड़ेगा। मिलो इनसे, इन्होंने लिए हैं नए जूते, तो ये देखो चारों साइड पहाड़ी, और यहाँ पे एक गांव है। छोटी क्या सही जगह पे बनाए नहीं गांव, साला कब्बड़ डूब सकता है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सतनारी वाटर पार्क, वो रहा झरना। और कुछ लोग यहाँ पे आए हमारे गाँव साइड के। गाइस आप देख सकते हो पीछे बहुत ऊपर झरना है। गाइस क्या सीन है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि अपने बालाघाट के इतने पास में है। जिसने भी इसको अभी तक नहीं दिखाया ना, एक बार जरूर आना, दोस्तों के साथ बहुत मजा आएगा। पिकनिक का प्लान कर सकते हैं अपन यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह। तो गाइस एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है, इधर एक पहाड़ी है और इधर एक पहाड़ी है, दोनों के बीच से एक जगह है, वहां से पानी आता है ये, और बीच में मतलब झरना भी बन गया है। आप देख सकते हैं कितना मजा आएगा इसके नीचे नहाने के लिए। अब हम वही जाएंगे और नहाने की कोशिश करेंगे, शायद पानी अच्छा हो तो। बहुत सारे पत्थरों को चढ़ते 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 अपने को संभालते हुए हम आ गए हैं एकदम झरने के पास। जिसको भी सीनरी से प्यार है वो जरूर आना। तब मैं दिखाता हूँ आपको सतनारी का सबसे खतरनाक सीन। तो गाइस ये देखो, ये है गाइस सतनारी। आज ब्लू है पानी पानी पानी, साले गिर गया ना फोन तो यहीं पे मेरे बहुत लग जाएंगी। पानी 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 और दिन भी सानी सानी सानी। अबे ने वहां पे नहाए, अब हम जा रहे हैं गाइस। ये थोड़ा सा हमने घर से कुछ खाने का लाए थे, और टकाटक का है बे वो दूसरे बैग में, दूसरे बैग में टकाटक रखवाए। तो गाइस हमारा हो गया सतनारी घूम के, अब सब लोग बोल रहे हैं कि कहाँ जाएंगे,
ज्वाला देवी। तो गाइस अब सोच रहे कि हम ज्वाला देवी जाए, मौसम भी बहुत अच्छा है गाइस, बस पानी नहीं आना चाहिए, ऐसे बने रहने चाहिए, तो मजे ही मजे। चलो गाइस यहाँ पे रहती है गोंडी जनजाति, ये देखो। तो गाइस हमने गाड़ी थोड़ा सा पीछे रख दिए थे, लेकिन ये गलती कभी मत करना गाइस, क्योंकि हम बहुत पछता रहे, साला 6-7 किलोमीटर पैदल ही पैदल गए थे। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा खराब मिलेगा, लेकिन आगे से अच्छा रोड है, तो आप क्या करना, बाइक को ले जाना अपने साथ ही। और अगर बरसात होती है तो ये गलती किए कि गाड़ी उधर ले जाए, तो फिर ढकेलते लाना, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ये हमने लाए थे खाने के लिए कुछ चूटू चा रहे थे, पैसे ले रहे भाई, पैसे ले, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए ले, 10-10 रुपए। मेरे को मालूम था कि यहाँ पे पैकेट कम और खाने वाले ज्यादा, इसलिए मैं इधर दूर आ गया हूँ, आराम से खाऊंगा। हम निकल रहे थे ज्वाला देवी, लेकिन सबको लग गई भूख, तो हम अभी होटल में नाश्ता कर रहे हैं गाइस। हम पहुंच चुके हैं ज्वाला देवी मंदिर। तो गाइस एक अंकल ने हमको बोला कि पास में ही सीढ़ियां है, 1 किलोमीटर हो गया पैदल आ गए अभी, और यहाँ से हमको इतने दूर जाना है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो हम क्या सुधरे जाने, और मेरे पास बैग दे दीजिए, आया करो एक बार ज्वाला देवी मंदिर। पूरी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से हम उधर झरना देख के आए, उधर भी 5-6 किलोमीटर पैदल चले, और यहाँ का तो क्या ही बता दूँ, मैं तो सो गया हूँ गाइस। बस फाइनली पहुंच गए हम मंदिर, यहीं पे मंदिर है बोल रहे हैं शायद। पानी आ रहा है अभी, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है, फिर भी पूरा पसीना पसीना हो गया गाइस, बहुत ऊंचाई पर है। ये देख सकते, ये तो बैग लेके आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, मत गाइस तुम हालत पे आ गई है। तो बंटा है कैसा लग रहा है तुमको? तो गाइस आप भी जरूर आइए गाइस, ऊपर बहुत खतरनाक पहाड़ी का सीन है, वो देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ी, ऐसा लग रहा है ऐसे कटी हुई है, और मैं तो थक गया इसलिए मेरी आवाज भी पूरी खत्म हो गई है गाइस। ऊपर पूरा पहाड़ है, और पहाड़ी के बीच में यहाँ पे एक मंदिर है, आपको दिखाता हूँ मैं, एकदम मतलब पहाड़ी, ये देखो दोनों साइड से बहुत जठर वाला एकदम पत्थर है, और उसके बीच में मंदिर है गाइस। वहाँ पे एक पुजारी जी है गाइस, ये देखो एकदम खतरनाक पत्थर है यहाँ पे, ये आज्ञा भी है मतलब मधुमक्खी, एकदम बहुत तगड़ा पत्थर है गाइस, और पता नहीं यहाँ कहाँ से छेद बन गया ये। ये देखो यहाँ पे छेद बना हुआ है अंदर, बहुत सारा अंदर, कम से कम 20 मीटर तो होगा ये अंदर। वहाँ पे मंदिर बना है, वहाँ पे मूर्ति रखी है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। फाइनली रूम पहुंच चुके हैं, बहुत थक गए गाइस, हमने बाहर से ही खाना वगैरह खा के आ गए थे, क्योंकि मेरे को पता था रूम जाके तो बनाने की हालत है नहीं, तो खाना वाना बाहर से ही खा लिए, अब आके सो गए हैं। कल उठेंगे अब डायरेक्ट आराम से 10-11 बजे। एक बार आप भी ज़रूर सतनारी घूमने जाना गाइस, बहुत अच्छी जगह है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, खत्म।